हेलो दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड किस तरीके से काम करता है। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं और यही सवाल मुझसे कमेंट में पूछा गया है। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि आखिर म्यूचुअल फंड है वो किस तरीके से काम करता है और एक्चुअली में आपको इसमें साफ साफ ये भी देखने को मिल जाएगा कि प्रॉफिट होता है कि लॉस कब होता है, ठीक है, और हम किस तरीके से पता कर सकते हैं कि इसमें अभी प्रॉफिट होने वाला है। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले आपको इस मोबाइल की जो स्क्रीन है आपको बराबर में तो देखने को मिल ही रही है, तो चलिए मैं यहां पर सबसे पहले अपना ही अकाउंट यहां पर आपको दिखा देता हूं, ठीक है। जैसे कि मैं यहां पर अपनी SBI योनो एप्लीकेशन को यहां पर मैं ओपन कर लेता हूं, ठीक है। उसके बाद मैं यहां पर अपना एम पिन एंटर कर देता हूं, पर अपना जो एम पिन है मैंने यहां पर एंटर कर दिया है, ठीक है। उसके बाद मैं यहां पर इन्वेस्टमेंट पे सिंपली क्लिक कर देता हूं। जैसे ही मैं यहां पर इन्वेस्टमेंट पे सिंपली क्लिक करूंगा तो यहां पर आप देख सकते हैं 4,87,802.36 रुपए यहां पर हैं अभी आपको करंटली में देखने को मिल रहा है, ठीक है। एक्चुअली मैंने यहां पर पैसा कितना इन्वेस्ट किया था मैंने आपको पिछली वीडियो में मैंने इसमें बनाई है तो उसमें मैंने आपको बताया था मैंने 3.5 लाख रुपए इसमें निवेश किया था, ठीक है। और यहां पर अभी 11 मंथ अभी हुए नहीं है कंप्लीट, ठीक है। तो यहां पर लगभग 10 मंथ में यहां पर 1 लाख के आसपास यहां पर पैसा कुछ कम बन चुका है, ठीक है। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर अब जो NAV है वो है 382, ठीक है। अब मैं इसे यहां से कट कर देता हूं, आप ध्यान से देख लीजिएगा 382 जो NAV है, ठीक है। उसके बाद में मैं यहां पर जाता हूं क्रोम में मैं यहां पर सर्च करता हूं SBI कंट्रोल फंड रेगुलर प्लान ग्रोथ, ठीक है। अब मैं उसी प्लान को मैं यहां पर देखता हूं इस वेबसाइट पर, ठीक है। ये वेबसाइट मुझे बहुत ही अच्छी लगी है, ठीक है। अब ये वेबसाइट मुझे क्यों अच्छी लगी है वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये वेबसाइट हमें पूरी तरीके से बताती है, पूरा एक्सप्लेन करती है कि ये म्यूचुअल फंड है, कितना समय हो गया और किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं 384.38, अगर यहां पर 384 दिखा रहा है तो इसका मतलब है कि इसकी NAV है वो वहां पर भी बढ़ने वाली है, ठीक है। अब इसकी NAV अगर बढ़ेगी तो आप समझ सकते हैं, तो आप यहां से पहले इस चीज के बारे में पता भी कर सकते हैं कि जो NAV है वो इसकी बढ़ने वाली है, ठीक है। तो NAV है अगर वो बढ़ती है तो आपकी वहां पर भी बढ़ेगी और इससे यह है कि आपको यहां पर प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ये तो आप समझ गए कि आप यहां पर किस तरीके से देख सकते हैं पहले से पहले, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल लाइव दिखा रहा हूं, आपको मैंने अपनी SBI योनो एप्लीकेशन है वो भी मैंने आपको ओपन करके दिखाई है और यहां पर भी आपको वेबसाइट में सर्च करके दिखा रहा हूं, ठीक है। अब ये एक्चुअली में NAV क्या होती है, जैसे कि अगर जो कि SBI की है ये एक स्कीम समझ सकते हैं, ठीक है। जो म्यूचुअल फंड है वो एक स्कीम समझ सकते हैं, ठीक है। अब ये स्कीम जब भी ओपन हुई होगी तो इसके अंदर कुछ फंड है SBI वाली जो ब्रांच है वो यहां पर पैसे को ऐड करती है। अब वो उस पैसे से 10 रुपए के हिसाब से NAV बना दी जाती है, ठीक है। उस समय जब 10 रुपए से NAV यहां पर बना दी जाती है और जब भी लोग यहां पर पैसे को निवेश करते जाते हैं तो वो NAV खरीदते हैं, उन NAV के लिए खरीदते हैं, ठीक है। और इसी का ही जो फंड होता है, जो स्कीम है, इसका एक फंड मैनेजर होता है, वो इस फंड को मैनेज करता है, वो इस चीज में एक्सपर्ट होता है कि आखिर उसे इस पैसे को कहां पर निवेश करना है, ठीक है। अब एक्चुअली मैं आपको थोड़ा सा यहां पर एग्जांपल दे देता हूं वो निवेश किस तरीके से करते हैं। जैसे कि 10 कंपनियां हैं, ठीक है, तो 10 कंपनियों में वो अगर आपने इसमें 1 लाख रुपए यहां पर निवेश किए तो वो 10 कंपनियों में आपके 10,000 लगाएंगे, ठीक है। हालांकि लगाते तो वो ज्यादा में होंगे, मैं सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है। तो वो 10 कंपनियों में वो आपका पैसा लगाएंगे 10,000, ठीक है। तो ऐसे में यह है कि 2 कंपनी अगर लॉस में भी चले जाती हैं तो बाकी की बची 8 कंपनी, ठीक है। तो 2 कंपनी उस लॉस को यहां पर रिपेयर करेंगी, बची 6 कंपनी। अब 6 कंपनी से जितना प्रॉफिट होगा वो आपको यहां पर मिल जाएगा। तो इस तरीके से कुछ म्यूचुअल फंड वाले हैं वो यहां पर काम करते हैं, ठीक है। तो ऐसे में होता क्या है, जैसे कि अब ये पैसे को कहां कहां लगाते हैं, ठीक है, वो भी हम समझ लेते हैं। जैसे कि आपको यहां पर देखने को मिल जाए गोल्ड खरीदते हैं, ठीक है। स्टॉक, मैं आपको बता दूं स्टॉक और शेयर एक ही चीज होती है, ठीक है। अगर मैं शेयर बोल लिया हूं तब भी आप समझाइएगा कि जो किसी भी कंपनी के होते हैं शेयर, ठीक है, तो हम उन्हें शेयर भी बोलते हैं और स्टॉक भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर स्टॉक यानी कि किसी भी कंपनी के शेयर खरीदना,
और म्यूचुअल फंड और भी कई सारे अब जो स्क्रीन में होती हैं जो कि लेटेस्ट में चलती होती हैं, ठीक है। तो जो फंड मैनेजर है उनमें ये पैसे को लगाते हैं, ठीक है। अब जितना वहां से प्रॉफिट होता है वो आपको यहाँ पर देते हैं, ठीक है। अब एक्चुअली में इन फंड मैनेजर का क्या फायदा होता है ये भी हम समझ लेते हैं। जब भी हम पैसे इसमें निवेश करते हैं तो वो 1% के हिसाब से वहां पर काट लेते हैं पैसे, अपनी जो कमीशन होती है वो ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आखिर कितना यहाँ पर प्रॉफिट होगा, अगर हम यहाँ पर 1,00,000 रुपए जमा करते हैं वो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जमा कर देता हूँ अभी 1,00,000 रुपए, ठीक है। जैसे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार, 10,000, और मैं उसके बाद में कर देता हूँ 1,00,000, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 1,00,000, ठीक है। मैंने 1,00,000 कर दिए हैं। अब ये दिखा रहा है, मैं यहाँ पर इसे सबमिट कर देता हूँ, यानी कि यहाँ पर जो डेट है वो हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर ली है 9 तारीख 7वां महीना 2023, ठीक है। और यहाँ पर जो डेट है वो है 10, यानी कि 9 तारीख 7वां महीना 2024, जो कि आज की डेट है, ठीक है। तो मैं इसे यहाँ पर सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करने के बाद अब ये कह रहा है कि हमने 1,00,000 रुपए पे प्रॉफिट जो दिया है वो दिया है 48,103 रुपए, ठीक है। कहने का मतलब है अब यहाँ पर जो आपकी रुपए की जो वैल्यू होगी वो होगी 1,48,000, यानी कि 103 रुपए। अगर आपने आज की ही डेट में 2023 में अगर आपने इसमें 1,00,000 रुपए निवेश किए होते तो आपके 1,40,103 रुपए आज की डेट में आपके हो गए होते, ये बता रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ में अब यहाँ पर मैं अपनी कैलकुलेशन कर लेता हूँ एक साल में लमसम, ठीक है। मैं यहाँ पर कर देता हूँ 350, ठीक है, 1,000। तो अब मैं यहां पर इसे सबमिट कर दूंगा, ठीक है। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये बता रहा है अगर आपने जो कि आज की ही डेट में पिछले 2023 में अगर आपने 3,50,000 रुपए जमा किए होते तो आज आपके उन पैसों की वैल्यू होती 5,18,360। अब मैं मान लेता हूं अगर इसी हिसाब से आगे भी चलती है मेरी, जो कि आज 10 मंथ के लमसम हो चुके हैं, ठीक है, 10 मंथ से ऊपर ही हो चुके हैं थोड़े से, ठीक है, दिन, और उसके बाद में अगर एक साल उस पैसे को मैं उसमें रखता हूं तो मेरे 5,00,000 से ऊपर ही जाएंगे, 5,18,000 के समथिंग, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर अगर हम 1,00,000 रुपए यहां पर निवेश करते और उसके बाद में, और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि मैं 3,00,000, 3.5 लाख वाला क्यों बता रहा हूं और 1,00,000 वाला क्यों बता रहा हूं, ठीक है। तो चलिए हम वो भी समझ लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पर और भी मैं आपको कुछ बातों को यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। बैंक मैनेजर हैं वो शायद आपको इस बात के बारे में ना बताएं, ठीक है, कि अगर आप एक साल से पहले पैसा निकालते हैं, ठीक है, तो आपको वहां पर एक्स्ट्रा फीस भी देनी होगी, यानी कि 15% आपको चार्ज लगेगा, ठीक है। अब 15% बहुत हो जाता है, कहने का मतलब है 1,00,000 पर आपको 15% वो आपको सरकार को टैक्स के रूप में देना ही होगा, यानी कि एक साल से अगर पहले पैसा निकालते हैं तो वो आ जाता है शॉर्ट टाइम में, ठीक है। इसी के साथ में लॉन्ग टाइम आ जाता है एक साल से ऊपर के लिए, ठीक है। तो वो भी मैं चलिए आपको यहां पर दिखा देता हूं, जैसे कि ये है, आप यहां पर देख पा रहे हैं एक ईयर, ठीक है। तो यहां पर आपको 47.63 देखने को मिल रहा है, बाकी के जो ऊपर के खाने हैं वो खाली हैं, ठीक है। तो ये एक साल वाला है, ठीक है, जो कि आप देख पा रहे हैं एक साल में, ठीक है। तो एक साल में अगर आप पैसे को निकालते हैं, ठीक है, ये नहीं है कि आपका जो पैसा है एक साल से पहले निकलेगा नहीं, निकल तो जाएगा, ठीक है, पर ऐसे में आपको ना तो छूट मिलेगी और आपको 15% अलग से देना होगा, ठीक है। तो जब भी आप इस बात को ध्यान रखें कि आप एक साल से ऊपर समय के लिए इसमें पैसे को निवेश करें अगर आप करना चाह रहे हैं तब म्यूचुअल फंड में, ठीक है। और उसकी जो टर्म कंडीशंस हैं आप जरूर पढ़ लें जो भी म्यूचुअल फंड में आप पैसे को निवेश कर रहे हैं, ठीक है, इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एक ईयर फॉर परचेज डेट, ठीक है, यानी कि अगर आप एक साल के लिए यहाँ पर परचेज करते हैं तो वो लॉन्ग टाइम कैपिटल में आ जाता है, ठीक है। तो उसका जो टैक्स है वो आपको यहाँ पर 10% देना होगा, ठीक है। इसी के साथ में 1,00,000 की एनुअल छूट होगी, यानी कि साल में 1,00,000 रुपए की आपको छूट हो जाएगी। और इसके बाद में आपको यहाँ पर अगर आप एक ईयर से यानी कि भीतर अगर आप इस पैसे को निकालते हैं तो वो आ जाता है शॉर्ट टाइम कैपिटल गेंस, ठीक है। तो वहां पर आपको देना होगा 15%, जो कि आपको यहां पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये है इसका सच, ठीक है। और आपको 15% आपको वहां पर भी देना होगा, जो कि आपको 1,00,000 की छूट हो रही थी। अगर आप एक साल से पहले निकालते हैं तो जो आपकी 1,00,000 की छूट हो रही थी, ठीक है, तो वो भी नहीं होगी और आपको
सभी पर 15% देना होगा अगर आप एक साल से पहले निकालते हैं पैसे को, तब तो आपको इस बात को ध्यान रखना है जब भी आप म्यूचुअल फंड में पैसे को निवेश कर रहे हैं तो वहां पर आपको इस चीज को चेक करना है कि आखिर जिसकी कट ऑफ है वो कितना है, ठीक है। और ऐसे में यह है, अब मैं आपको बता देता हूं मैंने 1 लाख वाला आपको क्यों बताया, ठीक है। अब मैंने यहां पर 1 लाख रुपए निवेश किया हुआ होता तो ऐसे में वो था कि मेरा 1 लाख की तो छूट हो जाती, बचता कितना 48,000, तो 48,000 पर मेरा पड़ता, यानी कि 1 साल बाद में पैसे को निकालता तो वो लमसम पड़ जाता मुझे 5,000 रुपए का, यानी कि जो कि मुझे गवर्नमेंट को देना पड़ता टैक्स के रूप में। तो यहाँ पर वो 48 बैठ रहा था लमसम, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं मुझे हो जाता वहां पर 40,000 रुपए का प्रॉफिट। अब ऐसे मैंने यहाँ पर 3.5 लाख लगाए हैं तो वहां पर बैठना है 5,18,000 के समथिंग, एक अनुमान बता रहा हूं मैं 1 साल में, ठीक है। तो वहां पर अगर ऐसा होता है तो 1 लाख की तो मुझे छूट हो जाएगी, बचा कितना 4,18,000, ठीक है। तो 4 लाख पे 10,000 वो मान लो 40,000 वो हो गए, और प्लस इसमें मान लो, ठीक है, कि 2,000 जे मान लो, ठीक है, तो मुझे 42,000 का जो टैक्स है मुझे गवर्नमेंट के लिए देना पड़ेगा, और बाकी का जो अमाउंट है मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। हो सकता है इसमें ट्रांजेक्शन भी फीस लगाते हो, पर इसमें ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। तो जो रियलिटी है वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। और जो पैसा है वो आपका 4 से 5 दिन में आ जाता है आपके बैंक खाते में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और आपका कोई भी सवाल है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।